हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडिकेटर्स के बारे में कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनका इफेक्ट क्या होता है एसिडिक या बेसिक मीडियम पे। साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकल में भी देखा था कि किस तरह से हमने एक नेचुरल इंडिकेटर की मदद से ये पता लगाया कि एसिड या बेस का उनसे रिएक्शन किस तरह से होता है। अगर आपने मेरा ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखा था तो लिंक आई बटन पर शो हो रहा है, उसे आप वॉच आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा न्यू चैनल बना हुआ है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और वहाँ जाकर प्रैक्टिकल्स को देखिए। बिकॉज आप जानते हैं कि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते तो कोई भी चीज़ हमें अच्छे तरीके से समझ में नहीं आती है। अभी वहाँ पर मैंने साइड बाय साइड ही स्टार्ट किया है और मैं चाहती हूँ कि जितने फ्रीक्वेंटली मुझे यहाँ पर सब्सक्राइबर्स मिले हैं वैसे ही मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइबर्स मिले। सो अभी के लिए प्लीज़ अगर आपने वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो उन प्रैक्टिकल्स को बनाने में हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना आज का ये वीडियो, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई रिएक्शन जो एसिड्स और बेसिस दोनों से ही रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को हम यहां पर समझेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल भी मैंने अपने उस चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है, आप उससे भी वॉच आउट कर सकते हैं, लिंक आई बटन पर शो हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस रिएक्शन। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस रिएक्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे ये एसिड बेस रिएक्शन क्या है। एसिड बेस रिएक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपली हमने इससे पहले जो पढ़ी थी ना, हमने पढ़ी थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ा था? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन के वक्त मैंने आपको बताया था कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पर एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसी रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता यह है कि एक एसिड को अगर हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम बेस से कराते हैं, सो ऑलवेज इट विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो हमारा एसिड होता है उसके अंदर कुछ एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं और जो हमारा बेस होता है उसके अंदर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एसिड्स जो होते हैं वो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बेस जो होते हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और क्या बना देते हैं? साल्ट, जो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, और साथ ही साथ हमें वाटर मिलता है जो भी एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पर इसकी नीड क्या है? इसकी नीड के लिए हमने जब पीएच का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हमारे पास अगर कुछ भी होता है, सपोज करिए आप हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट होता है HCl। ये HCl जब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है तो हमारी बॉडी में हो जाती है एसिडिटी, और इस एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने एक बेस यूज किया था NaHCO3। अगर आपको याद है तो हमने यूज किया था NaHCO3, जो होता है हमारा बेकिंग सोडा, और इससे हम इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी में, हमारे आसपास की चीज़ों में कितना ज़्यादा यूटिलाइज होता है। सो नाउ व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एन रिएक्शन वेयर एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब इस रिएक्शन से हमें कुछ हीट भी प्रोड्यूस होती है जिसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पर हमें मिलती है -13.37 किलो कैलोरीज हीट। तो ये हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो ये एक रिएक्शन थी जिसके एक टॉपिक को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती थी, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपके पास एग्जाम में ये लिखने के लिए आती है तो आप किस तरह से लिखेंगे वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है अपने पिछले चैप्टर, अपने न्यू चैनल पर। तो लिंक तो मैंने अभी आपको दिया हुआ था, डिस्क्रिप्शन से आप चैनल तक भी पहुंच जाएंगे। पर आप जानना चाहते हैं ना कि हमने आके प्रैक्टिकल में क्या किया था, तो चलिए देखते हैं। करने के लिए सबसे पहले हमने ली है एक प्लास्टिक बॉटल, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है थोड़ा विनेगर। विनेगर के साथ में हमने बेस की तरह यूज करने के लिए लिया है यहाँ पर बेकिंग सोडा। तो हमारे पास एसिड में है विनेगर, बेस में है बेकिंग सोडा, और जो है वो ब्लो कर गया। तो अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ।
यहाँ पर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा, तो कैसा लगा आपको प्रैक्टिकल? अच्छा था ना? और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जो भी प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं हाउस होल्ड थिंग्स को यूज़ करके कर रहे होते हैं, तो आप इजीली अपने घर पर बिना पैसा खर्च किए हुए प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। सो ज़रूर से ज़रूर इन प्रैक्टिकल्स को ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसे हम किस तरह से लिखेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर एसिड बेस रिएक्शन के बारे में, जिन्हें हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने डिस्कस किया है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और साल्ट और वाटर बनाता है, तो उस रिएक्शन को हम एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर होता क्या है कि हमारे जो एसिड्स होते हैं वो H+ डोनर होते हैं, जबकि जो हमारे बेसिस होते हैं वो H+ एक्सेप्टर होते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि H+ और प्लस OH- विल गिव वाटर। और यहाँ पर क्या होता है, वाटर और साल्ट बन जाता है। दोनों ही न्यूट्रल होते हैं नेचर में, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिस्ट किए हैं, जैसे HCl plus NaOH gives out NaCl plus H2O, दोनों ही एसिड्स प्लस बेस हैं और साल्ट और वाटर बना रहे हैं। सिमिलरली H2SO4 plus KOH gives K2SO4 plus H2O, HCl plus NaHCO3 gives NaCl plus H2O plus CO2, similarly here also we will get CH3COOH plus NaHCO3 gives out CH3COONa plus H2O plus CO2. I hope you really like this video. तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल्स और शॉर्ट्स भी मिलेंगे हमारे उस चैनल पर, जहाँ पर आप इजीली समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल में एक्चुअल में क्या हुआ है। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा नीड है उस चैनल को मोटिवेट करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए और चैनल के प्रमोशन के लिए। सो आप प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को वॉच आउट करिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स आपकी हेल्प करने के लिए, आपको ही समझाने के लिए बनाए गए हैं। तो प्लीज़ वहाँ जा करके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो यहाँ पर भी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप बने रहें चैनल के साथ और इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलते रहे। थ्योरी रिलेटेड, प्रैक्टिकल रिलेटेड सारे अपडेट्स हम डालते रहेंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक्स एंड न्यू प्रैक्टिकल्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।